राजधानी पटना में नया टोला स्थित धरहरा कोठी में चुनावी प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार रविशंकर और अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधानसभा विधायक भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश केवल पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है, अगर देश को बचाना है तो इस बार फिर बीजेपी को जिताना होगा। वहीं रविशंकर प्रसाद ने लोगों से बीजेपी को वोट देकर जिताने की अपील की। ये प्यार है हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत बनाने की तमन्ना, और इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूँ कि पटना साहब के मतदाता हों या बिहार के और देश के हों, उनके मन में ये बात आ गई है कि देश नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां चुनावी सभाएं करने में लगी हुई है, और इस बार देखना ये होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।